गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई बबीता परमार वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल फिजिक्स की आवाज़, प्रोवाइडिंग यू फिजिक्स इजी नोट्स। बच्चों, हम कर रहे हैं यूनिट 4 और चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पार का लेक्चर 7। अभी तक हम वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। उन्हीं के ऊपर ये वाला जो वीडियो है कम्प्लीटली न्यूमेरिकल्स पर है। पूरे कॉन्सेप्ट्स का शॉर्ट रिविजन होगा, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सब का हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, सो इसको करने से पहले लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 जो है उसको आप बिल्कुल थॉरली करिए। काइनेटिक एनर्जी वाला 5th लेक्चर है, पोटेंशियल एनर्जी का 6th लेक्चर, इन दोनों को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को खोलिएगा। I hope you all will enjoy। पेपर पेन लेके तैयार रहें और के साथ के साथ जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट करते रहें। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स सीधे नहीं जाएंगे, क्विक रिविजन करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने का मज़ा ही बिना उसके नहीं है। फॉर्मूलाज के आपके न्यूमेरिकल रजिस्टर में ये एंटर हो जाना चाहिए, और जहाँ आपने यूनिट ये 4 स्टार्ट किया होगा उसके शुरू के जो पेजेस मैंने आपको कहा था बच्चे की छोड़ने हैं, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो आप नोट करेंगे वो ये होंगे जो मैं क्विक रिविजन में ले रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका फोर्स जो है, अगर आपको फोर्स जो है ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, तब तो वर्क का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम सीधा वर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू एस एफ एस कॉस थीटा करके निकाल लेते हैं। एंगल देखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना दिया हुआ है। ठीक है, अगर सेकेंड चीज़ जो आपको बताई थी मैंने कि अगर जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, एफ एंड एस जो है ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म में कैसे, दिस एफ वेक्टर इज गिवन एज एफ एक्स आई का आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, ये कॉन्स्टेंट ही हैं, वेक्टर में तो है ही और कांस्टेंट है ही। तब सिंपल द वर्क विल बी इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स आई आई का प्रोडक्ट प्लस एफ वाई एस वाई जे जे का प्रोडक्ट प्लस एफ जेड एस जेड। सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, या एक चीज़ लिख देनी है, दैट इज़ आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड I dot J equals to J dot K equals to K dot I is equal to 0। आप इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप डाल सकते हैं। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स में या तो आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी जाएगी कांस्टेंट, तब तो आपको वैल्यू डाल के इतना न्यूटन है, इतना डिस्टेंस है और ये एंगल इतना है, डायरेक्शंस ऐसी हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। वेक्टर फॉर्म में तो आप इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देन थर्ड चीज़ है कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, इफ एफ फोर्स इज एफ इज वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल फॉर्म में है देन व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा इसी में पहले तो ये चीज़, कई बार इसमें डिस्प्लेसमेंट, चलो आगे बता देती हूँ। एफ अगर वेरिएबल है तो आप इसमें द वर्क विल बी, यू विल राइट ऑन दिस वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, जो डायरेक्शंस इनकी सेम है तभी एक्स लगाया हुआ है, फोर्स इन अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, डी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सो दिस वे वी विल डू, राइट। आप इसमें भी एक्स एक कंपोनेंट, लेकिन कई बार वैक्टर फॉर्म में वेरिएबल ही है बट आपका एफ इज वेरिएबल एंड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको,
तो वर्क विल बी इक्वल टू वॉट, आप यहाँ लिखेंगे दैट वर्क इज इक्वल टू वर्क अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्लस वर्क, स्केलर क्वांटिटी है ये, सिंपली ऐड हो जाएगी वर्क अलॉन्ग जेड डायरेक्शन. सो दिस विल बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल प्लस एफ वाई डी वाई, वाई इनिशियल टू वाई फाइनल प्लस एफ जेड डी जेड, जेड इनिशियल टू जेड फाइनल. ठीक है, पांचवी बात बच्चे आपने याद रखनी है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कार्टिशियन कोऑर्डिनेट, इफ पोजीशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि पी वन पॉइंट बोल दिया दैट इज हैविंग एक्स वन वाई वन जेड वन, एंड पी टू पॉइंट बोल दिया एक्स टू वाई टू जेड टू, देन आपको ये लिखने आना चाहिए कि दिस आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप प्लस एक्स थ्री जे के कैप, आर दिस इज आर वन दिस इज आर टू, this will be your x2 i cap plus sorry oh my god oh my god xi x1 y1 z1, this is x2 y2 z2. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर जब आप लिखेंगे तो होगा x2 minus x1 i cap plus j से j होगा y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap, इस तरह से आप निकालेंगे और तब ये फिर ये फॉर्मूला. कई बार डायरेक्ट दे देते हैं, कई बार ऐसे देते हैं पोजीशंस में, तो ये करना है. और ऐसे ये जो इनिशियल फाइनल है ये भी बताएंगे कि इधर से इधर को शिफ्ट हुआ है, तो जैसे ये पॉइंट्स दे दिए हैं तो ये x डायरेक्शन वाले में ये x1 और फाइनल गया x2 तक, y1 से y2 तक, z1 से z2 तक, तो वो पॉइंट्स जो आपको दिए होंगे वो डालने. दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर द वर्क पार्ट. उसके बाद जो हमने पढ़ा बच्चे, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, दैट वाज हाफ एम वी स्क्वेयर. काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा, दिस इज माई हाउ मैनी हैव टोल्ड यू सिक्स, दिस इज सेवेंथ आपने पढ़ा, हाफ एम वी स्क्वेयर. मोमेंटम के साथ भी इसके रिलेशंस थे, दैट काइनेटिक एनर्जी, इसी में एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन टू एम करके, दिस इज द रिलेशन वी वर यूजिंग. अभी फ़िलहाल इस वाले में नहीं अभी यूज़ करूँगी मैं इनको, तो इसलिए उस पर फोकस ज़्यादा नहीं कर रही हूँ. देन वी कम टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा मैंने बार बार कहा था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. This is what we have. Then we had work gravitational potential energy. Gravitational potential energy that was given by symbol U G, that is equal to M G H. Then we had elastic potential energy, potential energy of spring nikali thi humne, that was u s was equal to your minus half k, it was
एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे ही निकाला था। फिर वर्क डन जो उसमें होता था एनर्जी, ये तो स्प्रिंग इस केस में दिस ये वैल्यू निकाली थी हमने, उसको इक्वेट आउट किया था, दैट वाज द वर्क डन। ये था हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना। यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी, दिस वाज वर्क डन वाज दिस मच, एंड हियर इफ यू सी द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर हमने ये फार्मूला निकाल लिया था हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। देन यू हैड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, हाउ टू डिटरमाइन द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको देख के आप ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, इसके लिए तीन स्टेप्स रखने हैं ध्यान। पहली बात, इफ दिस डेल एफ एक्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डेल एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइक्लिक फॉर्म में चलूँगी, देखना मैं, ये हो गया एक्स का वाई के साथ देखा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इक्वल है दूसरी बात डेल एफ वाई, वाई के आगे कौन होता है जेड, इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल वाई। तीसरा एक्स हो गया, वाई हो गया, अब आगे बारी जेड की, डेल एफ जेड, जेड से आगे कौन होगा एक्स, इज इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं देन एफ इज कंजर्वेटिव। तो आपको भी न्यूमेरिकल्स में मैं दूंगी फोर्सेस और बोलूंगी देखो ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, राइट। देन यू हैड वन थिंग जो मैंने आपको बताई थी, रिलेशन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही होती है, डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये जो रिलेशन था, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था दैट दिस, ये जो इक्वेशन आ रही है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, सो दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस द स्मॉल वर्क, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी हो जाएगा माइनस एफ एक्स अगर मैं ले रही हूँ, दैट इज़ इन द डायरेक्शन, तो डायरेक्ट डेल्टा एक्स, डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, बिकॉज एफ एंड डेल्टा एक्स इन सेम डायरेक्शन, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो इक्वल वन हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी हैव। तो यहाँ से हमारा एफ एक्स की वैल्यू आती है डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स नेगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा एक्स अगर हम टेन टू ज़ीरो कर रहे हैं देन दिस एफ एक्स कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। एफ वाई विल बी सिमिलरली एफ वाई जो होगा दैट विल बी माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एंड एफ जेड विल बी माइनस डेल यू बाय डेल जेड। ये याद रखना है, दिस इज़ वॉट वी हैव। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फोर्स है इक्विलिब्रियम में है, कैसा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी तीन तरह के होते हैं। ये चीज़ मैं एडिशनल अभी इसी टॉपिक में न्यूमेरिकल्स कराने से पहले थोड़ा सा इसका भी आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक है। देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे अगर हमने देखा, ये तो चलो इतनी सी वैल्यू हुई कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालना है, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट करके आप निकाल देते हैं। सो नाउ इफ यू सी दिस रिलेशन, कितने फॉर्मूलाज बताती है, 12 13th जो पॉइंट है ये ध्यान से सुनेंगे बच्चे आप लोग। इसमें देखिए आपके पास आ रहा है एफ एक्स, मैं एक जनरल ले लेती हूँ एफ एक्स वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, ये चीज़ आई आपकी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वेरिएशंस पोटेंशियल एनर्जी में, ये वेरिएशन ये, तो ये क्या है, एक तरह से इट इज़ एफ एक्स इज़ वॉट स्लोप, नेगेटिव स्लोप
स्लोप है, किस चीज़ का स्लोप है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट, वो ग्राफ है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, इसी तरह वाई होगी, इसी तरह जेड होगी, जैसा स्लोप की तरह ये आ रहा है। तो अब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, तो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मान लीजिए इस तरफ हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली है, दिस इज व्हाट आई हैव टेकन द पोटेंशियल एनर्जी हियर, नेगेटिव साइड नहीं लेती हूँ, चलिए आप ऐसे ही लेते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरह से कोई ग्राफ है, वेरिएशन इनकी ऐसी हो रही है, मतलब कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह की वेरिएशंस अगर आपके इसमें आ रही हैं, ये आपका पॉइंट हो गया, दिस इज़ मिनिमम वैल्यू, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, यहाँ आपकी कांस्टेंट है, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है। तो हर जगह पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी ज़ीरो, राइट। सो अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात आ रही, चलो ये तो ये हो गया स्लोप की बात है। नाउ ये इधर पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, इसका स्लोप यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। सो इन दिस ग्राफ आपका जो स्लोप ज़ीरो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, द स्लोप इज़ कमिंग ज़ीरो वेयर एवर द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। सो पॉइंट्स वेयर, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, वेयर एवर टेंजेंट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, स्लोप इज ज़ीरो। स्लोप जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो। ये के पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, द नेट फोर्स इज ज़ीरो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम दैट इज एफ नेट, जो भी फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ से अगर एफ नेट इज इक्वल टू हम ज़ीरो ले रहे हैं, तो ये एफ इज इक्वल टू व्हाट है, दैट इज आपको सो डिफरेंस दे, ये आप जो इक्वेशन क्वेश्चंस में आएगा, आपको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालनी है। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस। तो पहली बात आपने जो याद रखनी है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आप क्या करोगे, आपको U दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी दिया, बोला कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालिए, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालें, तो आप बोलोगे कि F इज इक्वल टू क्या होता है, अगर x है दिस विल बी माइनस डेल U बाय डेल x, एफ एक्स इज दिस फॉर इक्विलिब्रियम, F इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर आप माइनस डेल यू बाय डेल एक्स को क्या डाल दोगे, ज़ीरो। ये काम करोगे, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करिए, आपको पता लग जाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी पता करना पड़ेगा, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास तीन तरह के होते हैं, इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, और ये हो गई आपकी एक हो जाती है न्यूट्रल, ठीक है।
स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है इट इज़ गोइंग टू बी अपनी जो स्टेबल पोजीशन है उससे ज़रा सा भी इसको डेविएट करो तो इट कम्स बैक टू इट्स पोजीशन. सो व्हेन एवर ये वाली जो चीज़ है स्टेबल, व्हेन एवर स्लाइट फोर्स इज अप्लाइड it comes back to original position applied it soon come back to the original position. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, यहाँ पे भी वो स्टेबल है लेकिन यहाँ पर जब वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड वो वहाँ से हट के स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाती है, उसमें रहती नहीं है, इस जगह पर रहेगी नहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में. ऐसे अगर लगेगा स्टेशनरी है वो सिचुएशन. इसमें क्या है, ये भी स्टेशनरी पोजीशन है, ये भी स्टेशनरी पोजीशन है, ये भी स्टेशनरी पोजीशन है. इसमें क्या, यहाँ पे धक्का मारोगे वापस वहीं पे आ जाएगी, इसमें धक्का मारोगे ऑन अप्लाइंग फोर्स इट इमीडिएटली go to stable equilibrium state. इस वाले में on applying force it goes to different इक्विलिब्रियम पोजिशन. अब जैसे मान लो यहाँ पर है कोई बॉडी, है ना, यहाँ देखो ये सबसे कम हाइट पर है ना, दिस इज, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. अब ये यहाँ पे भी हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा देखते हैं, वो भी ध्यान रखना. अब यहाँ से ज़रा सा भी धक्का दोगे तो ये वापस यहीं पर आएगी. यहाँ पर अगर बॉडी है इसको धक्का मारोगे तो ये यहाँ से हट जाएगी, इमिडिएटली हटेगी और वापस ये इक्विलिब्रियम वाली जगह पर आ जाएगी. यहाँ कोई बॉडी है इसको धक्का मारोगे तो इधर से वो थोड़ी सी इधर को खसक जाएगी लेकिन वो स्टेबल उसी स्टेट स्टेबल में ही रहेगी, लेकिन इट न्यू डिफरेंट पोजिशन वो वहीं पर ले लेती है. तो ये एक स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल के बारे में थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखना पड़ता है कि आपका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है अनस्टेबल है. सो इफ़ यू सी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. तो अब ये तीन कुछ चीज़ें आपको जब क्वेश्चन में आता है कि कैसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है तो आपने देखना है, एक आपको बताया मैंने स्टेबल, एक बताया अनस्टेबल, एक बताया न्यूट्रल, है ना. इसमें बच्चे आपने ये ध्यान रखना है कि फोर्स की अगर बात करते हैं, एफ नेट जो है स्टेबल होगा तब भी ज़ीरो है, अनस्टेबल है तब भी ज़ीरो है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, हिल नहीं रहा अपनी जगह, यहाँ हो न्यूट्रल पॉइंट पे तब भी ये ज़ीरो है, फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो. तो हर बारी आप एफ को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो आप डेल यू बाई डेल एक्स या डेल यू बाई डेल वाई जो भी कैलकुलेट करते हैं वो निकालेंगे. एक बात तो ये हो गई क्लियर. दूसरी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी. वो ग्राफ से आपको दिखा बता दिया कि ये चीज़ें हैं. सो नाउ अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, f इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, यानी u का वेरिएशन विद x. तो अगर आपको याद होगा, इफ़ दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते थे मैथमेटिक्स में, आपने किया होगा कि इसमें 10 डी वाई बाई डी एक्स है. ये मैक्सिमा की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड डिफरेंशियल निकालते थे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है देन दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ मिनिमा, वाई इज़ मिनिमम, अगर लेस देन ज़ीरो देन इट इज मैक्सिमा. तो वो चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है. तो इसमें कंडीशन फॉर थर्ड, कंडीशन फॉर मिनिमा जो होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल यू बाय
डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर, यानी उसको सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करोगे और अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है देन इट इज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में. और इस वाले में इफ डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर इज लेस देन ज़ीरो देन वी से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर डेल स्क्वेयर यू बाय डेल एक्स स्क्वेयर आपका आ जाता है इक्वल टू ज़ीरो देन वी से दैट इट इज़ अ न्यूट्रल. यानी दो चीज़ें याद रखनी है आपको. पोजीशन निकालनी है तो आपने एक बार डिफरेंशिएट करना है, जब आपने ये पता करना है कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है तो आपने सेकंड डिफरेंशियल्स लेने हैं और इसमें फिर वो वैल्यूज डाल के आप निकाल भी सकते हैं कि क्या कहाँ कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम है. वो तो पॉइंट्स किससे निकल जाएगा, आप ये वाला स्टेप करोगे एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट कर दो एक्स की वैल्यूज निकाल. अगर आपसे ये पूछेंगे कौन स्टेबल है अनस्टेबल है किस टाइप का इक्विलिब्रियम है तो आपने सेकंड डिफरेंशियल निकालना है चुपचाप. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है जिन बच्चों को लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आया ये इसी पॉइंट से है. हमने क्या किया, फोर्स का डेल यू बाय डेल एक्स निकाला था तो ये चीज़ क्या बता रही है, एक ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ वेरी कर रही है. तो वाई एक्सिस वर्सेज एक्स एक्सिस दैट इज़ अ स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम स्लोप बोल देते हैं. तो अब ये इसके स्लोप से ही हमें पता लग जाता है कि वो फोर्स कितना उधर पर एक्ट कर रहा है या जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है मिनिमम है या तो ये यहाँ स्लोप इन दोनों इस वैल्यू से हम ये कंक्लूड कर लेते हैं. और ये हमने बोला कि यहाँ टेंजेंट जो स्लोप कैसे पता लगेगा, टेंजेंट ड्रॉ करके. तो देखा हमने तीन जगह पर ऐसा आ रहा है कि टेंजेंट पैरेलल होता है. तो अब हमें क्या मालूम कि कौन से वाले में मैक्सिमा है कौन से वाले में मिनिमा है, क्योंकि तो तीनों में टेंजेंट कैसा आ रहा है पैरेलल टू दिस आ रहा है. तो फिर वो चीज़ें निकालने के लिए हमने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा कि ये पॉइंट्स बता देगा. अब ये इधर से तो हमें सिर्फ ये पता लगेगा इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है. तीन जगह है ना पॉसिबिलिटी कि तीनों जगह पर आंसर्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं. तो वो मैक्सिमा वाला है या मिनिमा वाला है या कांस्टेंट वाला है वो कैसे पता लगेगा, तो सेकंड बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे. अगर सेकंड बार डिफरेंशिएट करने से आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है देन इट इज़ मिनिमम, इट इज़ लेस देन ज़ीरो आ रहा है देन इट इज़ मैक्सिमा, एंड इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ कॉन्स्टेंट. फिर आपको ये पता चल ये हो जाएगा आपका स्टेबल, ये वाली स्टेबल, ये अनस्टेबल और ये वाली कांस्टेंट, ठीक है न्यूट्रल कह लो. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट. ठीक है अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. ये इतनी बातें आपके न्यूमेरिकल रजिस्टर में शुरू में आ जानी चाहिए. ठीक है नाउ हियर इट इज गिवन इफ अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एट पोटेंशियल एनर्जी इफ अ फोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 1 इज 5 जूल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट. तो देखो इसमें आपको दिया क्या है बेटे, आपको फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स बताई दिया. एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर. तो ये तो हो गया आपका फोर्स की वैल्यू आपको दे दी 3x स्क्वायर. ये x के साथ वेरी कर रही है यानी ये वेरिएबल है, आपको ये समझ में आ रहा है राइट. वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है आपको और आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है. पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू 5 जूल दी हुई है. आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी एट 3 निकालना है. दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. कैसे निकालेंगे तो हमें मालूम है, मैंने बोला था एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दैट इज़ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. हम ऐसे लेते हैं ठीक है. सो यू फाइनल आपको निकालनी है, आप यू फाइनल यहाँ पे रहने दीजिए. यू इनिशियल आपको कितनी दी हुई है 5 जूल दी हुई है माइनस, अब कैसा फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है तो कैसा वर्क हो जाएगा इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स. कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 3 तो 1 से 3. अब फोर्स की वैल्यू डाल दीजिए चुपचाप माइनस इंटीग्रल दिस इज 3x स्क्वायर डी एक्स 1 से 3.
अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तभी आप कर सकते हैं ना बच्चे. दिस इज़ नेगेटिव, अब इसका 3 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, 1 से 3, दिस इज -3x³/3, 1 से 3, यहाँ से ये कट जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद नेगेटिव का निशान, 3³ - 1³, दिस इज नेगेटिव, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -1, दिस इज इक्वल टू -26 जूल. अभी ख़त्म नहीं हुआ, यू एफ बोला हुआ है आपको निकालने के लिए. सो यू एफ इज इक्वल टू -26+5, सो दिस इज इक्वल टू -21 जूल. दिस इज वॉट वी हैव, दिस इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. आपको जो दिया हुआ है वो फोर्स की वैल्यू हमने डाली है, दैट इज. तो ये फॉर्मूला अगर आपको है तो यू कैन फाइंड आउट द वेक्टर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. इफ़ कंजर्वेटिव फोर्स इतना, इसमें i, j, k तीनों डायरेक्शन में दे दिया है, ठीक है. ये वेरी तो कर ही रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, z भी, वेरिएबल भी है और वैक्टर फॉर्म में. तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक था, अब यहाँ पे बहुत सारे हो गए और कुछ नहीं किया. देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दिस एफ इज गिवन x i + y² j + z k. क्या है ये, वेरिएबल एंड वेक्टर फॉर्म में, यानी आपके पास तीनों आया, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन. पोटेंशियल एनर्जी कहाँ दी है, 0, 1, 1 पे पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज 5 जूल. और आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ करनी है, 1, 2, 3 इस पे फाइनल पोटेंशियल है. ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपसे पूछी हुई है, ठीक है. तो फॉर्मूला तो आपका वही लगना है. थोड़ा सा मैं इसमें भी स्केल है तो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा देर बाद में थोड़ा कम हो जाता है, इंटीग्रेशन में लंबा लंबा जाएगा, है ना. आई डू समथिंग लाइक दिस. अब देखते हैं क्या है इसमें. सो दिस इज व्हाट वी हैव. आप सबसे पहले तो फॉर्मूला यही बोलोगे कि क्या फॉर्मूला लगाने वाले हो, इधर पे पहले लिख लो. यू विल राइट दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सो दिस इज इक्वल टू यू फाइनल, तो आप यू एफ लिख लीजिए, माइनस यू इनिशियल की जगह आप लिख दीजिए 5 जूल. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, आप क्योंकि यहाँ पे आई जे के तीनों डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड. ये क्या, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, जेड इनिशियल टू जेड फाइनल, ठीक है. अब आप डाल दीजिए वैल्यू, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला. अब एफ एक्स क्या है, एक्स, आप यहाँ डालें नेगेटिव, अच्छा ये ब्रैकेट के बाहर रखिएगा नेगेटिव साइन, या सब में माइनस माइनस डालना पड़ेगा. चलो एक ब्रैकेट रख देते हैं. इंटीग्रल एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही, 0 से 1, 0 से 1. एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई को देखो 2 से 1 से 2 1 से 2. एफ वाई कितना है, वाई स्क्वेयर डी वाई. फिर आओ जेड इनिशियल कहाँ से, जेड की वैल्यू 1 से 3 1 से 3. एफ जेड की जगह क्या है, सिर्फ जेड, जेड डी जेड, ब्रैकेट क्लोज. अब बस इंटीग्रेशन ही करना है. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स 1+1 डिवाइडेड बाई, करना नहीं चाहिए मुझे भी, आपको आना चाहिए सर, 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा वाई 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 1 to 2 प्लस जेड 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 1 से 3. हो गया इंटीग्रेट. दिस इज इक्वल टू, ने ये स्टेप एक्स्ट्रा किया है मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए जो भूल गए इंटीग्रेशन क्या होती है. नेगेटिव का निशान x² / 2 + y³/3
प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स डालनी पड़ेंगी 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3. लिमिट्स क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज नेगेटिव निशान. 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस जेड की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. बस मैंने वैल्यू डाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. कितना हो जाएगा ये माइनस का निशान? दिस यू फाइनल माइनस 5 इज इक्वल टू नेगेटिव, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, दिस इज 1 अपॉन 2. ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 1 7, सो प्लस 7 बाई 3. ये 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4. दिस इज़ 40 है. इसको सॉल्व कर दीजिए. माइनस कितना एलसीएम हो जाएगा? 6, 3 प्लस 14 प्लस 24. कितना हो गया? दिस इज माइनस 41 अपॉन 6, है ना. सो यू फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस 41 अपॉन 6 प्लस 5. सो माइनस 41 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया ये? माइनस 9 बाई 6. 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो माइनस 1.5 जूल. इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है विल बी दिस. तो अभी थोड़ी सी कैलकुलेशंस में देखना, कोई मिस्टेक हो तो स्टेप बाई स्टेप्स करने हैं आपने, ठीक है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं बार बार उसके थ्रू नहीं जा सकती कैलकुलेशन चेकिंग पे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लगना चाहिए. द मेन क्राइटेरिया मेरा यही है. आप देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू एटम्स सेपरेटेड बाई डिस्टेंस एक्स इज गिवन दिस. आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है. यू इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब दी हुई है. वेयर ए इज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, वॉट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई वन एटम ऑन दी अदर. फोर्स एग्जर्टेड क्या होगा? अब एक्स के साथ ही वेरिएबल है, दैट मीन्स दे वास्ट यू एफ एक्स क्या है. हमें मालूम है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स होता है, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट? माइनस डेल बाय डेल एक्स. यू कितना दिया हुआ है? माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब. माइनस को बाहर निकाल दीजिए. सो दिस विल, ये चला जाएगा आपका. दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स की पावर माइनस 3. ऐसे लिख सकते हैं. माइनस माइनस प्लस हो गया. अब आगे देखते हैं क्या होता है इसका. तो डिफ्रेंसिएशन का क्या फॉर्मूला होगा? ए कॉन्स्टेंट है, माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1. ऐसे ही करते हैं, सॉरी माइनस 3 माइनस 1 डिफ्रेंसिएशन. इफ यू रिमेंबर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1 करते हैं, तो ये माइनस 3 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 ए एक्स की पावर माइनस 4, और आई कैन राइट माइनस 3 ए अपॉन एक्स की पावर 4. So this is the force, this much newton. What is the force exerted? तो ये आपका force exert होगा. कुछ नहीं किया हमने, ये वो जो formula बताया था उसके हिसाब से differentiate कर दिया, खत्म. A tennis ball is dropped from a height of 2 meters. ये इधर से ball को नीचे गिराया, कितना बोला? This is ground. 2 meter है ये. This is 2 meter. रिबाउंड ओनली 1.5, तो यहाँ से ये रिबाउंड हो जाता है और ये वापस यहाँ पहुँच जाता है ना. दिस इज, यहाँ से फेंका इसको पहले नीचे की तरफ को, और ये वापस यहाँ पे इस तरफ पहुँच गया. कितनी हाइट पे पहुँचा ये? 1.5 मीटर ये रिबाउंड हो गया. उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0.5 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है. नीचे की तरफ जब आता है तो दैट इज़ वट एवर वी टेक इट इज़ नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस
उस वे में भी, जैसे व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दैट मीन्स डेल्टा यू, और यू कैन से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू हाउ मच दे वास्ट यू. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हमें पता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू योर नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो काम किया उसका नेगेटिव ले लेते हैं उठा के, राइट. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होना है. दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव निशान है ये. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एम जी है. डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो रहा है, मास नहीं दिया है ना. डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये नीचे की तरफ जब देते हैं तो हम इसको नीचे वालों को हमेशा, वेन एवर वी टेक इन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वैल्यूज, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, माइनस पॉइंट फाइव है ना, माइनस पॉइंट फाइव. और ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऊपर की तरफ तो फेंक नहीं रहे, नीचे की तरफ ही बॉडी भी आ रही है, और इसमें बॉडी इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर ऑल्सो. सो दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं प्लस एम जी इंटू पॉइंट फाइव. सो इफ जी की वैल्यू आप ले लेते हैं 10, तो इट विल बी 10 एम जूल. 10 एम भी नहीं, पॉइंट फाइव इंटू, सॉरी 5 इंटू 10 50 है ना, 5 इंटू 10 50 और पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 5 एम जूल जो है, इतना चेंज है इसके पोटेंशियल एनर्जी में. तो ये सिंपली अगर हमने ये रिलेशन पता है तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चंस इस तरह से हो जाते हैं. देन आपको नेक्स्ट है, इफ़ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी हुज, ये तो फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया. कंजर्वेटिव फोर्स है आपको इतने पे दिया हुआ है, ये आप होमवर्क करिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू. ठीक है, आपको कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है, पहले ही बता दिया कि ये 2i + 3j है, और U12 दिया हुआ है, U इनिशियल दैट इज़ U12 आपको दिया हुआ है 5 जूल, और U फाइनल दैट इज़ U34 इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है. और ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ से देखिए कैसा समझ में आ रहा है, वेरिएबल है एंड वेक्टर फॉर्म में है. सो दिस यू, आप जो फॉर्मूला लगाओगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सो दिस यू फाइनल आपको निकालना है, यू इनिशियल आपको दिया हुआ है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव. आई भी है, जे भी है, दो डायरेक्शंस में है एक्स एंड वाई, तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, दो डायरेक्शन में हो गया. एक्स कहाँ से कहाँ बदल रहा है, 1 से 3 बदल रहा है, और वाई कहाँ से बदल रहा है, 2 से 4, 2 से 4. एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3. आपने ये वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर देना. डज वर्क डन इन रेजिंग द बॉक्स ऑन टू द प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन द हाउ फास्ट इट इज़ रेज्ड. अब आप उसको कितनी जो जल्दी से निकाल रहे, तो वर्क इज इक्वल टू वॉट, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम फैक्टर, टाइम के ऊपर नहीं, टाइम के ऊपर ये नहीं डिपेंड कर रहा है. देयरफॉर वर्क डन, ये रिलेशन से ही देखा ना हमने, वर्क डन इन रेजिंग बॉक्स does not depend on speed with which it is raised, but it depends on how high
इट इज़ रेस्ड, है ना, क्योंकि वर्क अगर ऊपर उठा रहे हैं उसको, तो आपको पता है दैट वर्क इज़ इक्वल टू कितना होगा एम जी एच, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना ऊपर लेके, हाइट पे डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से ले जा रहे हैं उसको, नहीं, व्हाट इज़ द वर्क डन इन होल्डिंग 2 kg 20 kg सूटकेस वेल वेटिंग फॉर द बस। अब 20 kg का सूटकेस लेके आप 20 मिनट तक खड़े हो, तो ये आप, दिस इज़ अ सूटकेस, जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज़ डाउनवर्ड, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है, वहाँ देख लेना। आप क्या दिया है आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल इज गिवन दिस, देन एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट, ये भगवान, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, अब इसमें आपने क्वेश्चन कुछ कोई क्वेश्चन छूटे हैं क्या, ओ मैं 11-12 में कहाँ आ गई, ये तो किया ही नहीं मैंने, ये क्वेश्चन तो छोड़ दिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस पहले ये देख लेते हैं फिर उसको देखते हैं। शो द फॉलोइंग फोर्सेज आर कंजर्वेटिव और नॉट, आपको कंजर्वेटिव है कि नहीं ये निकालना है। मैंने क्या बताया था, तीन कंडीशन, पहली डेल, पहला चीज़ निकालेंगे डेल एफ एक्स अपॉन, एक एक करके करना ठीक है, डेल वाई एक्स का वाई के साथ इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ये निकालते हैं, दिस इम्प्लाइज डेल बाई डेल वाई एक्स कितना है, एक्स मतलब आई डायरेक्शन, एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स किसका, एफ वाई का, वाई क्या है, एफ वाई इज वाई, तो वाई के लिए एक्स कैसा है, कॉन्स्टेंट, एक्स के लिए वाई कैसा है, कॉन्स्टेंट, सो दिस इम्प्लाइज ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी पहली कंडीशन हो गई, ठीक। दूसरी, एक्स का हो गया ख़त्म, फिर वाई पे आ जाइए, वाई के आगे कौन होता है, जेड, डेल एफ जेड बाय डेल वाई, इसको देखिए डेल बाय डेल जेड, एफ वाई इज़ व्हाट, वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई, एफ जेड है नहीं मतलब ज़ीरो, वाई जेड को कैसा लगे, कॉन्स्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तीसरी भी चेक करनी पड़ेगी, अगर पहले ही अगर अनइक्वल आ जाता तो हम सीधा कह देते हैं नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन अगर ज़ीरो आ रहा है तो हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे, डेल्टा एफ जेड, जेड के आगे कौन है, एक्स, डेल एफ एक्स बाय डेल जेड, तो डेल बाय डेल एक्स, एफ जेड क्या है, ज़ीरो, डेल बाय डेल जेड एफ एक्स क्या है, एक्स, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तीनों कंडीशनें सेम आ रही हैं, सो एफ इज कंजर्वेटिव। ये तरीका होता है आपको जज करने का कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें भी पहली कंडीशन देख लेते हैं, डेल्टा एफ एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एफ वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा बाय डेल्टा वाई, एफ एक्स की जगह कौन है, एफ एक्स मतलब जो आई के साथ है, दिस इज फाइव फाइव इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, एफ वाई यानी जे के साथ कौन है, एफ एक्स, दिस इज फाइव एक्स, समझ में आ रहा है, ये नहीं देखना कि एक्स है एफ एक्स है तो एक्स ले लो, एफ एक्स मतलब आई के साथ, एफ जो वैक्टर होता है दैट इज ऑलवेज एफ एक्स आई कैप, आई के साथ जो है दैट इज एफ एक्स, प्लस एफ वाई कौन होगा जो जे कैप के साथ होगा, और एफ जेड कौन होगा जो के कैप के साथ होगा, ये याद रखना। सो दिस इज इम्प्लाइंग व्हाट, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो फाइव इज इक्वल टू फाइव, यानी ये बराबर आ गया, सेकेंड मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो आए, इक्वल आना चाहिए ना, तो यहाँ फाइव इज इक्वल टू फाइव आ गया। दूसरा चेक करते हैं, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा एफ वाई, तो डेल्टा बाई डेल्टा जेड कौन है, एफ वाई, एफ वाई की जगह कौन था, फाइव एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स अपॉन, दूसरा कौन है, एफ जेड इज़ नॉट देयर, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा,
एक्स जो है जेड के टर्म में क्या है, इट्स अ कॉन्स्टेंट, जेड डायरेक्शन जेड के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज़ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हो गई। तो अब तीसरी भी करनी पड़ेगी। अब ये एक्स से शुरू किया था, एक्स विद वाई, फिर वाई विद जेड, अब कौन होगा, जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब ये हो जाएगा। तो इधर ऊपर आपका डेल एफ एक्स बाय डेल जेड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स, एफ जेड कितना है ज़ीरो, इज इक्वल टू डेल बाय डेल जेड, एफ एक्स कितना है फाइव वाई, ज़ीरो का आंसर ज़ीरो, ये वाई जो है जेड के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट होगा, दिस इज ज़ीरो, तो ये भी आपके इक्वल इक्वल आ रहे हैं, सो एफ इज कंजर्वेटिव। ठीक है, अब आता है ये तीसरा, इसमें तीनों उठा के दे दिए, कोई बात नहीं। पहली बात करते हैं, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू पहली कंडीशन डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, क्योंकि पहले एक एक को करना, ऐसा नहीं करना सारे लिख देना, कई बार एक पहले में ही अलग हो जाता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई, ब्रैकेट इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स, एफ एक्स कौन है ये टू वाई, एफ वाई कौन है थ्री एक्स, सो दिस इम्प्लाइज इसका आंसर आ जाएगा टू, इसका आंसर आ जाएगा थ्री, टू इज इज नॉट, देयरफॉर एफ इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो पता लग गया आपको कैसे कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव देखने। एक और चीज़ याद रखना, जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव, एक चीज़ यहाँ स्टार बना के लिख देती हूँ, आप याद रखोगे, अलोंग क्लोज्ड लूप अगर आपका है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट ज़ीरो। हमने फ्रिक्शन वाला केस एक्सप्लेन किया था, ये याद रखना, क्योंकि कई बार आपको जब है क्लोज लूप्स मिलेंगी वहाँ वर्क कैलकुलेट करना होगा, तो आप सबसे पहले फोर्स को देख लो, वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर वो आपका कंजर्वेटिव है तो सीधा डायरेक्ट लिख दो एस द फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो वर्क डन इज जीरो। नॉन कंजर्वेटिव है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखते हैं, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही टाइप आ गया जो मैंने अभी हिंट दिए आपको। इफ फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू एक्स जे एक्ट ऑन अ बॉडी अलॉन्ग अ क्लोज स्क्वेयर पाथ ऑफ टू मीटर इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें दो मीटर का क्लोज्ड पाथ है, यानी ये इस तरह से जा रहा है। टू मीटर का मतलब ये भी दो मीटर, ये भी दो मीटर, ये भी दो मीटर, ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे टू और वाई एक्सिस पे ज़ीरो, ये वाले पॉइंट के क्या हो जाएंगे टू टू, इस वाले पे क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो और वाई एक्सिस की वैल्यू टू, ये तो ओरिजिन है तो ये इसने तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहना है। इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, ये पोजीशंस हैं इनकी। अब इसके अलॉन्ग बोला इन्होंने कैलकुलेट करो। अब आपको यहाँ पर एफ इज एफ एफ जो दिया हुआ है दैट इज़ टू एक्स जे कैप दिया, पहले तो आप ये देखो ये कैसा फोर्स है, अगर तो ये कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है तब तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, अगर ये कंजर्वेटिव नहीं आता तो आपको कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, उन्होंने बोला फोर्स दिस इज एक्टिंग ऑन दिस, फाइंड द वर्क डन, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है तो वर्क डन कितना होगा। तो पहला पॉइंट जब आप इसमें करोगे तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लोगे, डेल्टा एफ एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एफ वाई बाय डेल एक्स, दिस इम्प्लाइज डेल्टा बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल एक्स, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स तो है ही नहीं ज़ीरो, और जे कैप दिया हुआ है ना, तो दैट इज टू एक्स, यहीं पे बराबर आएगा ही नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट ये इसका आंसर ज़ीरो होगा, इसका आंसर टू होगा विच इज़ नॉट इक्वल, सो एफ
इज नॉन कंजर्वेटिव. इसका मतलब आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो वर्क डन, क्योंकि अब ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है और आपको निकालना पड़ेगा. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच, वर्क विल बी इक्वल टू, थोड़ा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको पार्ट में डिवाइड कर दें. अब कैसे निकालेंगे देखते हैं. वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब आप जो भी फोर्स है डॉट डिस्प्लेसमेंट है, दो वेक्टर्स ले रहे हैं. ठीक है, फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो हियर इट इज़ गोइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो हमने एक्स एक्सिस के वेरिएशंस देखने हैं. जीरो से इसकी वैल्यू टू तक जा रही है, तो ज़ीरो टू टू प्लस देन अगेन इंटीग्रल. फिर ये वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, लेकिन जा कौन रहा है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ही जा रहा है, डी एक्स ही लिख रहे हैं. यहाँ से यहाँ y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, y की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ये हो गई 0 टू 2. ये वैल्यूज डालना समझ में आना चाहिए. प्लस अगेन दिस फोर्स इज एक्टिंग, आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, डॉट dx. तो यहाँ पर किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है. तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 2 से 0. सो 2 से 0 प्लस एफ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स को देखेंगे. यहाँ से यहाँ ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस की वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 से 0. सो 2 से 0, ये लिमिट्स पता लग गई. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड. अब आते हैं 0 से 2, f की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने, 2x j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट. आपका dx किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो आप इसको लिखोगे i कैप dx प्लस 0 से 2, फोर्स तो वही है आपका 2x j कैप डॉट dx दिया हुआ है, किसके पैरेलल जा रहा है, y के, तो आप यहाँ लिखेंगे j dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 से 0, फोर्स तो वही है 2x j कैप डॉट, ये कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की, तो माइनस आई डी एक्स. चौथा बचता है प्लस इंटीग्रल 2 टू 0, एफ एक्स की जगह वही 2x j कैप डॉट डी एक्स, आप ऐसे आ रहे हैं, माइनस जे डी एक्स. अब आगे वेक्टर फॉर्म हटा के हमने वो वैल्यूज उस तरह से लिख दी. आप देखो ये वाला टर्म जे डॉट आई, ये जीरो हो जाएगा, ये रहेगा, दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट, जे डॉट जे है, ये भी जे डॉट जे है, ये दो एग्जिस्ट करेंगे, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा. सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी जीरो प्लस इंटीग्रल 0 बाई 2 टू एक्स डी एक्स, क्योंकि जे डॉट जे इज 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x dx, लेकिन यहाँ j डॉट माइनस j है, तो ये हो जाएगा माइनस, कहाँ से कहाँ, 2 से 0. यहाँ रीजन दे देंगे दैट i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k, ये जो होता है that is 1, and i dot j equals to j dot k equals to k dot i, ये 0 होते हैं, इसीलिए वो वैल्यूज वहाँ से हट गई. अब ये बचा हमारा, दिस विल बी हियर, बीच में कि ये भी, दिस इज ये वाली टर्म 0 है और ये वाली टर्म 0 है, बाकी वो मैंने लिखी नहीं, यहाँ बीच में प्लस 0 लिख लेना चाहिए था मुझे, प्लस 0 फिर माइनस दिस. सो अब डायरेक्टली इसको कर देते हैं, 2x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2,
टू से ज़ीरो, दिस विल बी टू से टू कट गया, यहाँ भी टू से टू कट गया, आपके पास आता है एक्स स्क्वायर यानी कि टू स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर माइनस इस वाले में आ जाएगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, दिस इज फोर माइनस माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू एट जूल, यहाँ वर्क जो है वो एट जूल हो जाता है। ठीक है, आप ये वाला केस है, ये आप होमवर्क करेंगे, यहाँ भी आपको फोर्स दिया हुआ है, आप देखिए पहले ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, बिल्कुल सेम ही है, फोर्स एक्ट कर रहा है, स्क्वायर पाथ है, थ्री सेंटीमीटर का, वहाँ टू सेंटीमीटर लिया, थ्री सेंटीमीटर लिया, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप पहले वो देख लीजिए, अगर कंजर्वेटिव आता है तो आप सीधा लिखोगे ज़ीरो इज़ द वर्क डन, और अगर नॉन कंजर्वेटिव आता है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, इसके बाद अच्छा पीछे ये कर दिया हमने, ये पहले कर दिया है ना। ओके, अब आते हैं इसमें, पोटेंशियल ऑफ टू गिवन इज दिस, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, आपको वैल्यू ऑफ यू एट इक्विलिब्रियम निकालनी है, इक्विलिब्रियम पे यू की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले तो आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, यू की वैल्यू है आपके पास, आपको मालूम है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब वर्ड इक्विलिब्रियम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, एंड एफ एंड यू आर रिलेटेड बाय एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर है, यहाँ पे तो हम आर लिख लेते हैं, x होता तो हम x लिख लेते, y होता y लिख लेते, z होता z, अब r लिया तो हम r लिख लेते, दिस इज वॉट वी हैव, सो f इज इक्वल टू ज़ीरो विद दिस इम्प्लाइज दैट माइनस डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू ज़ीरो यानी इस इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई बात नहीं, आप इसको कर दीजिए माइनस डेल बाई डेल आर किसका ए आर रेज टू द पावर माइनस ट्वेल्व माइनस बी आर रेज टू द पावर माइनस सिक्स, डिफरेंशिएट ही तो करना है, आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्या आता है, सो दिस नेगेटिव साइन को आप अदर अलग छोड़ दीजिए, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ए कांस्टेंट है, आर की पावर माइनस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व इंटू आर माइनस ट्वेल्व माइनस वन, यही होता है डिफरेंशिएशन में, एंड जो पावर होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं डिफरेंशिएशन में, माइनस बी ये हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू आर माइनस सिक्स माइनस वन। ठीक है, अच्छा दिस होल थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव साइन वैसे इधर को गया तो वो ख़त्म हो जाता है, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 12a अपॉन r raised to the power 13, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6b r raised to the power 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 12a r की पावर 13 इज इक्वल टू माइनस 6b r की पावर 7, यहाँ से ये कट जाएगा, आर भी कटना, ये सिक्स वन जा सिक्स ये भी कटेगा, तो आर की भी देखो यहाँ थर्टीन है या सेवन है, दिस कैन बी रिटन एज ट्वेल्व ए अपॉन आर सेवन इंटू आर सिक्स इज इक्वल टू सिक्स बी आर सेवन, आर सेवन से आर सेवन कट जाएगा, तो आर सिक्स विल बी इक्वल टू, इसको अकेला उधर भेज दीजिए, तो ट्वेल्व ए अपॉन सिक्स बी, सो दिस इज इक्वल टू आर से आर इज इक्वल टू सिक्स वन ज़ा सिक्स टू ज़ा टू ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर वन बाई सिक्स, इस पोजिशन पे ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू पे इट इज इन इक्विलिब्रियम, यू कैन से
जगह नहीं बची. दिस फाइंड द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा छोटा लग रहा है क्वेश्चन, ये भी जगह लेगा, वो सॉल्व नहीं हुआ. मैं इतना कर देती हूँ, ठीक है. नीचे देखते क्या होता है. सो यू इक्विलिब्रियम पूछा हुआ है, दिस इज आस्क्ड इक्विलिब्रियम में कितने. सो एट दिस वैल्यू इक्विलिब्रियम इज देयर. अब कैसी इक्विलिब्रियम में, ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में. मैंने पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कितना होगा. सो यू इक्विलिब्रियम निकालने को बोला, तो कोई बात नहीं. यू क्या है, यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर रेस टू द पार 12 माइनस बी रेस टू द पार आर रेस टू द पार 6. आर रेस टू द पार 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a अपॉन बी. तो यहाँ डाल देते हैं वैल्यू a. इसको आर 12 को क्या लिख सकती हूँ मैं, आर 6 का स्क्वायर माइनस बी. आर 6 को ऐसे ही रहने देते हैं. a अपॉन आर 6 की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये r की वैल्यू इतनी है, तो आर 6 की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन बी. ये हो जाएगा 2a अपॉन बी का स्क्वायर माइनस बी 2a अपॉन बी. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये U equilibrium will be equal to A upon 4A square upon B square minus B upon 2A by B. ये भी ऊपर चला जाएगा. This will be AB square upon 4A square minus, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो B square upon 2A. यहाँ से एक A से एक A काट दीजिए, तो ये बी स्क्वायर दोनों के पास है. बी स्क्वायर अपॉन ए बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कितना होगा. दिस इज एलसीएम इज बी स्क्वायर अपॉन ए. एलसीएम कितना होगा, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं. दिस विल बी 1 माइनस 2. सो दिस आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन 4 बी स्क्वायर बाई ए. ये इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी, ठीक है. अच्छा, अभी ये क्वेश्चन है, यू इज दिस एक्स के साथ इसकी वेरिएशन पोटेंशियल एनर्जी की दी है. पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है, तो पहले पोजीशन निकालना है. तो पोजीशन के लिए क्या बोला था, फॉर पोजीशन इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो आप डाल दीजिए माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0. इसका आंसर होगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2. इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा. रही बात टाइप की, टाइप के लिए क्या बोला था, फॉर टाइप फाइंड डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर. सो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स. डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2x प्लस 5. डेल बाय डेल एक्स इसकी वैल्यू आई थी 2x प्लस 5. इसको डिफरेंशिएट करेंगे आंसर कितना आया, तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. 2x का आंसर आ जाएगा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 2. ये ग्रेटर देन 2 आई, देयरफॉर इट इज. अब जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जब भी डिफरेंशियल की जो वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल इज ग्रेटर देन 0, तो this is potential energy is minimum and कैसा equilibrium होगा, stable greater than 0. ये two answer आया ना, ये greater than 0 है, so stable equilibrium. अगर ये less than 0 आ जाता है, unstable equilibrium कह देते हैं. potential energy की बात आ गई, minimum लिखी, ठीक है. तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से value निकालने के लिए, और जब type पता करना है तो उसको सेकंड डिफरेंशिएट कर दो, खत्म. तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है. 13th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा
फाइंड दी पोजिशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें देखो एक्स डायरेक्शन में भी दिया, वेरिएशन वाई में भी दिया हुआ है. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, एफ वाई भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो दिमाग में क्लियर है कि रिलेशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स, और एफ वाई जो होगा दैट विल बी डेल यू वाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. एक्स भी है और वाई भी है, दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी तो तुझे निकालना है. सो और एक चीज़ ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया, नेगेटिव नेगेटिव का निशान भी रख लीजिए. और रही बात इसकी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम आप बोलोगे कि एफ एफ नेट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. अब एक्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन है ना, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स का कंपोनेंट में कैसे चेंज आ रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जब डिस्टेंस बदलता है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो देखना है. तो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम बोलेंगे दिस माइनस डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस विल बी माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 18x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये 18x का जाएगा 18 माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो. सो 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 18. सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 6 है 18. सो अच्छा फिर नंबर थोड़ा अच्छा सा ले लेती मैं, इसमें 18 की जगह पे आई विल टेक, जस्ट वेट मैं नंबर चेंज करूँगी इसमें. नहीं तो ये अंडर रूट चलेगा फिर, है ना. परफेक्ट स्क्वायर ले लें, 3 4 12 कर लेते हैं, 4 कर लें, या फिर 3 4 की जगह अगर हमारे पास यहाँ 9 आ जाता तो फिर ईजी हो जाना था. 9 के लिए ये 3 9 27, आई विल टेक इट एज 27. ठीक है, 27 ले लेते हैं, 27 ये 27 हो जाएगा. ये मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू ली है ना, तो कैलकुलेट करके दी. एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 27. सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. यानी ये आपकी वैल्यू आई इक्विलिब्रियम फॉर एक्स के साथ, इक्विलिब्रियम इस पे आएगी. ठीक है, दैट इज प्लस 3 पे और एंड माइनस 3 पे. अभी इसको ब्रैकेट में भी नहीं लिख सकते क्योंकि हम एक्स वाई लिखते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम पे है. दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, फिर वाई डायरेक्शन में देखते हैं. वाई डायरेक्शन में जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल वाई. यहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं, यहाँ भी कुछ गड़बड़ ना हो. तो दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस क्या है आपका 2y³ माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6y² माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. 6y² इज इक्वल टू 6y² इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये इक्विलिब्रियम है. तो अब ये दोनों वैल्यूज से देखो, x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यूज आ रही हैं. सो देयरफॉर इन एक्स वाई प्लेन इक्विलिब्रियम विल बी एट कितनी जगह पे हो सकता है, प्लस 3 और यहाँ से प्लस 1 ले लो, देन प्लस 3 और यहाँ से माइनस 1 ले लो, तीसरा वहाँ से माइनस 3
यहाँ से प्लस वन ले लो, वहाँ का माइनस थ्री और यहाँ का माइनस थ्री, इतनी इतनी जगहों पे आपका जो है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आएगी। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो कैसा बनेगा, ये एक्स ये वाई, ए क्या पर प्लस थ्री प्लस वन, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, दिस इज़ योर प्लस थ्री प्लस वन, फिर प्लस थ्री माइनस वन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा प्लस थ्री माइनस वन, नेगेटिव साइड ये है ना, फिर माइनस थ्री प्लस वन, तो ये माइनस थ्री यहाँ, ये प्लस वन ऊपर, दिस इज़ माइनस थ्री प्लस वन, फिर एक माइनस थ्री माइनस थ्री वो कहीं यहाँ पे, माइनस थ्री इधर भी और माइनस थ्री नहीं माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन, दिस इज माइनस थ्री माइनस वन। तो देखो एक रेक्टेंगुलर सा पाथ आ रहा है इन पोजीशंस पे, यहाँ ए बी सी डी इन पोजीशन पर इक्विलिब्रियम होगी, ये पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, नहीं इक्विलिब्रियम है इसमें, अब डिपेंड करता है कि एक्स डायरेक्शन में स्टेबल भी हो सकती है अनस्टेबल भी हो सकती है। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है तो इसमें डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालो, प्लस थ्री डालो माइनस थ्री डालो, उनकी जो भी डेल स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी, जब एक्स की वैल्यू को डाल के अगर एक्स रह जाता है उसमें, अगर वो ग्रेटर देन टू आ रही है देन वो स्टेबल है। जैसे अभी यही वाली चीज़ ले लेते हैं, इसमें अगर टाइप करना है, मैं एक ले लेती हूँ, हम इसको ले लेते हैं कि इसमें डाला तो अब आप देखो कौन से वाले ए पॉइंट को ले लेते हैं, क्या है ए पॉइंट, थ्री एंड वन, ठीक है ये वैल्यू है, तो आप इसमें डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करिए, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 है ना, सो अच्छा 27x था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बचेगा आपका 27 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, है ना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर। आपने यहाँ 3 डाला तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 का, सॉरी 6x नॉट स्क्वायर 6x, 3 डाला तो कितना आ गया, माइनस 18, जो कि क्या है लेस देन 0 है, सो दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। और y डायरेक्शन में देखते हैं, डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, तो इसका ये वाला इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका 12y, तो 12y आप डालो 12 इंटू 1 आ गया 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया स्टेबल। तो एक ही पॉइंट पर अगर x के साथ वेरिएशन देख रहे हो तो x डायरेक्शन में देख रहे हो तो अनस्टेबल है, y डायरेक्शन में देख रहे हो तो स्टेबल है, ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है ये चीज़ें। इसी पॉइंट पे आप इसी तरह से अलग दूसरों को भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत उन बच्चों के लिए है जो उनको मज़ा ज़्यादा आता है न्यूमेरिकल्स में, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको सॉल्व आउट करें। ओके, अब स्प्रिंग मास सिस्टम लास्ट में बचता है कि वर्क डन इन मूविंग मास फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू, अब आपने इसको यहाँ से यहाँ मूव किया है तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको मालूम पर यूज़ तो आपने वही करना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये लगाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ निकालने का, अभी यहाँ सारा फॉर्मूला थोड़ी निकालोगे, आपको मालूम है स्प्रिंग मास सिस्टम में कौन सा फॉर्मूला किया था, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, के की वैल्यू भी दी हुई है, के इज़ हाउ मच 1000 न्यूटन पर मीटर दिया है, और आपको एक्स की वैल्यू भी दी है, पहले वाले के लिए इनिशियल वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10/100 मीटर, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर, एक्स फाइनल भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और आगे को ले गए 20 सेंटीमीटर शिफ्ट किया तो 20/100 मीटर्स
सो 0.2 meters दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ वॉट वी हैव. तो अब आपने निकालना है, तो यू इनिशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वेयर, यू फाइनल जो होगा दैट विल बी हाफ के एक्स एफ स्क्वेयर, इस तरह से निकाल सकते हैं. और ये वाला रिलेशन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स एफ स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वेयर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव. हाफ के बाहर ले लीजिए, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. हाफ इनटू कितना दिया हुआ है 1000, एक्स फाइनल कितना है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव. ये हो जाएगा 500 इनटू कितना होगा ये 0.04 माइनस 0.01 माइनस डब्ल्यू सी, सो दिस इज 500 इंटू 0.03 इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सो दिस इज कितना 1 2 पे है, तो ये 15, दिस इज वर्क डन बाय माइनस. आपसे पूछा कि हाउ मच वर्क इज़ डन, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है, दैट इज़ नेगेटिव में आ रहा है ना. अगर आपसे पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग ने मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना काम किया है, तो आप लिखेंगे दैट इज़ वर्क डन बाय स्प्रिंग इज़ इक्वल टू माइनस 15 जूल आएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ क्या पूछा है, वर्क डन टू मूव, तो वर्क बाय द एक्सटर्नल सोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, सो दिस इज इक्वल टू 15 जूल. हमने जो वर्क किया है दैट इज 15 जूल का काम हुआ, ठीक है. अब ये लॉन्ग स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच किया 2 centimeters, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज वी. What will be the potential energy if it is stretched to 10 centimeters, 2 centimeters तक किया है, यानी कि जब x i जो है ये 2 centimeters है, तो potential energy that is initial potential energy is V. अगर इसको खींच के फाइनली लेकर जाते हैं 10 centimeters पे, तो potential energy, final potential energy क्या होगी. तो सेम वही चीज़ें आप देखो जैसे पहले किया. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट हाफ के एक्स स्क्वेयर होता है, और के कांस्टेंट है दोनों के लिए, हाफ कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ कन्वर्जन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप डायरेक्टली डाल दीजिए वैल्यू. सो यू फाइनल, यू इनिशियल अगर देखेंगे तो यू इनिशियल की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स इज हाउ मच 2, है ना. सो दिस वी इज इक्वल टू के आ रहा है, के का सॉरी स्क्वेयर, तो एक एक कट जाएगा तो 2k. तो ये इम्प्लाई करता है कि k की वैल्यू हो गई वी अपॉन 2, ठीक है. यू फाइनल क्या पूछा हुआ है, यू फाइनल विल बी हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वेयर. सो हाफ के की वैल्यू कितनी है, हमने निकाल ली यहाँ से वी अपॉन 2, फाइनल कितनी है 10 into 10, कितना हो जाएगा 100 upon 4v, सो दिस इज 25v. ये आपकी पोटेंशियल फाइनल आ गई, ठीक है. सो डायरेक्ट ही था आपको, जो वहाँ वर्क था तो हमने वो इक्वेशन को यूज़ कर लिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव, होप यू ऑल हैव एंजॉयड द न्यूमेरिकल्स, और इनको अच्छी से रिवाइज करिए. जितना आप इनको करके देखेंगे उतना आपको मज़ा आएगा. जिन बच्चों को डर लगता है वो सिंपल सिंपल वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ज़रूर करें, ठीक है. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पे ना जाएं, लेकिन दोज हु इंजॉय द न्यूमेरिकल्स उनको इससे भी टफ न्यूमेरिकल धीरे धीरे करने चाहिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.